तो इसका सिंपल और सीधा आंसर यही है कि औरतें हमें बेहतर बनाती हैं। और जितनी भी लेडीज ये वीडियोस देख रही हैं, मैं दिल से कहता हूं कि आप हमें हम बनाती हैं। आप हमें दुनिया में इंपॉर्टेंट फील कराती हैं जब आप कहती हैं कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। आप हमें जेलस फील कराती हैं जिससे ये भी डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तुम हमारे दिल में आग भी लगा सकती हो जिससे किसी भी चीज को हम पा सकते हैं, क्योंकि तुम हमें बेहतर जानती हो। हमारी इतनी कमियां होने के बावजूद भी तुम हमारे साथ हो, हमारी जिंदगी में हो। तुम हमारे इमोशनल और इंस्पिरेशनल भावनाओं को छूती हो, जिस आर्टिस्टिकनेस को मर्द छुपा के रखता है। मगर फिर भी यही तो प्यार है जिसकी वजह से लोग कलाकार बनते हैं, सिंगर, शायद पोएट बनते हैं, यहाँ तक कि फिलोसोफर्स तक बन जाते हैं। और ये होता किस वजह से है? औरतों की वजह से। दुनिया में अधिकतर जितने भी आपको छोटी बड़ी कलाकृतियां देखने को मिल जाएंगी, वो कहीं ना कहीं औरतों से इंस्पिरेशन लेके बनी है, औरतों से जुड़ी हुई है, या औरतों के लिए ही बनी है। बियर के आविष्कार से लेकर डाविंची की वर्ल्ड फेमस पेंटिंग तक, नॉर्मल जिंदगी बिताने से लेकर सुपर ह्यूमन तक, सबको प्यार चाहिए। मर्दों को कोई ऐसा चाहिए जो उनके मुश्किल समय में भी उसके साथ रहे, वो कभी अकेला फील नहीं करना चाहता, जिंदगी में एक्सप्रेशंस के रोलर कोस्टर झेलना चाहता है। और ये सारी चीजें अकेले नहीं आती। इमेजिन करो कि अगर लोगन मूवी में अगर उसकी बीवी उसके साथ रहती तो क्या अपने लोगन चाचा डिप्रेशन में जाते? उनकी अपनी जिंदगी को खत्म करने के कई सारे रीजंस में से एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वो अकेले रह गए, वो भी काफी लंबे समय तक। अगर जॉन विक मूवी में अगर उसकी बीवी आज भी जिंदा होती तो क्या वो ऐसी जिंदगी बिता रहा होता? नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे बिना किसी की जिंदगी कट नहीं सकती, काटी तो जा ही सकती है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? कोई जल्दी नहीं है, बस इंतजार काफी कर लिया।